गुड मॉर्निंग। इज देयर एनी डाउट इन प्रीवियस क्लास? इज देयर एनी डाउट इन प्रीवियस क्लास? एवरीबॉडी मस्ट ओपन योर वीडियोज। I think you don't have any doubts. Neha? Yes, sir. Meri awaaz clear aa rahi hai beta? Yes, sir. ठीक है, बिकॉज बहुत से बच्चे कंटिन्यूअसली लेफ्ट कर रहे हैं। महेंद्र गुप्ता, बहुत दिनों बाद बता पाए हो, क्या बात है? यस सर। हम सर मैंने कल नहीं आया स्कूल में और क्लास ज्वाइन की। नहीं बेटा, मैं ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास? ये सर लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन किए थे, इसके पहले ज्वाइन किए थे। इससे पहले भी नहीं? कंटिन्यू कई क्लासेस लेते हैं आप? वी रेगुलर नहीं सर, ज्वाइन किए थे। ठीक है, नाउ जेनेटिक कोड। स्प्लाइसिंग हो गया, आरएनए बन गया, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, राइट। अब फर्दर ये जितने भी आरएनए हमारे बन गए, अब इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंफॉर्मेशन सेम लैंग्वेज में ही ट्रांसफर हो इन अदर वर्ड्स और अदर वे, तो उसे हम बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर लैंग्वेज ही से जैसे आप हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? नेहा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। सिमिलरली अगर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसको एमिनो एसिड के सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा? ट्रांसलेशन। क्लियर? लेकिन इस ट्रांसलेशन के लिए पूरी कंप्लीटली एक मशीनरी होती है। अब होगा कैसे? देखो, एक कोडिंग होती है, जैसे आप लोग जो रीजनिंग की बुक है उसमें आप लोग देखते हैं ना, लॉजिक वाला क्वेश्चन। अगर हम आसमान को पानी कहें, अगर पानी को मिट्टी कहें, है ना, तो पानी बरस रहा है, आसमान से पानी बरस रहा है, इसे क्या कहेंगे? पानी से मिट्टी बरस रहा है, यही कहेंगे ना। अगर हम आसमान को पानी कहें और पानी को मिट्टी कहें तो पानी बरस रहा है तो क्या कहेंगे? अच्छा, बरस रहा हो तो हम अगर बोले खा रहा है तो क्या बोलेंगे? आसमान पानी खा रहा है, ऐसे बोलिएगा। ऐसे क्वेश्चन होते कि नहीं होते हैं लॉजिक में, रीजनिंग वगैरह में? रिस्पॉन्स करते रहा करिए। यस सर। यस सर। ऐसे होते हैं ना क्वेश्चन। चलिए, तो बस यही समझना है, अगर न्यूक्लियोटाइड ए मेथियोनिन को कोड कर रहा है, टी किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, सी किसी तीसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जी किसी चौथे अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो अगर ये इस तरह से कोड कर रहे होंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा यही सीक्वेंस आप लिखते चले जाएंगे तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस मिल जाएगा। पक्का? पक्का?
आप लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हैं भाई? रिस्पॉन्ड जरूर करते राकर कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन था कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ट्रांसलेशन में समझना बहुत जरूरी, नहीं समझिएगा तो सब कुछ वो किताबों में ही लिखा रह जाना है, तो चीजों को समझिए। अच्छा तो अब ये बताइए कोड के लिए हम कैसे यूज करें, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड का एक एमिनो एसिड कंसीडर करते हैं तो टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हमारे पास में? हेमंत टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज आज तक नहीं आ रही। मधु? यस सर। अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को कोड करता है तो टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास? फोर। फोर है तो कितने एमिनो एसिड बनेंगे? फोर। फोर पक्का? फोर। लेकिन लेकिन जब हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो वहां पर ये देखा कि एमिनो एसिड मोर देन 30-35 टाइप के, टोटल ओवर 350 एमिनो एसिड्स ओपन मतलब कि सर्च किए गए अलग अलग जगह पर, जिनमें से 20 टाइप्स के एमिनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। हम चलिए सिर्फ 20 ही ले लेते हैं, राइट? तो 20 एमिनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं और यहां पर कितने एमिनो एसिड बन रहे हैं? 4। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा एक एमिनो एसिड मतलब एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड को कोड नहीं कर रहा, ये बात समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही? वैष्णवी? यस सर। क्या समझ में आया बताइए। सर 4 न्यूक्लियोटाइड बने और 4 न्यूक्लियोटाइड ने 4 एमिनो एसिड बनाया, अभी भी 16 एमिनो एसिड कौन बनाएगा पता नहीं, सही? ये सिंपल सा कैलकुलेशन समझ गया ना आप लोग? अच्छा जी अगला देखिए, अगर हम ये कहें कि 2 एमिनो एसिड मिलकर के 2 एमिनो एसिड मिलकर सॉरी 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एमिनो एसिड बना रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड बराबर एक एमिनो एसिड, तो टोटल कितने चांस हो सकते हैं? हाँ बेटा हेमंत आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर, वो बार डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। डिस्कनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया। अच्छा मैं तब तक एक सिंपल सा कैलकुलेशन बनाता हूँ उसको समझिए आप लोग।
ये सिंपल सा कैलकुलेशन देखा आप लोगों ने रचना, ये सिंपल सा कैलकुलेशन देखा, इसमें कोई चीज डाउट है आपको? सर दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा आपको? क्लियर नहीं आ रहा, क्लियर नहीं आ रहा सर, ब्लर है स्क्रीन बट एक्चुअली ये नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए मैं बोलता जाता हूँ आपको, है ना। मैंने अभी जो बताया था, अगर एक न्यूक्लियोटाइड, आवाज तो मेरी क्लियर है? Yes, अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक एमिनो एसिड कोड करता है तो टोटल फोर एमिनो एसिड है, सॉरी फोर न्यूक्लियोटाइड है, तो 4^1 इक्वल टू 4, टोटल 4 एमिनो एसिड बनते हैं, ये तो हो नहीं सकता। अगर टू न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एमिनो एसिड बनाते हैं तो 4^2, टोटल कितने एमिनो एसिड बन रहे हैं? 4^2 इक्वल टू 16, 16 एमिनो एसिड बनना है, 16 एमिनो एसिड बनना है। और हमारे पास टोटल कितने एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन बना रहे हैं? 20 एमिनो एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 एमिनो एसिड बन रहा है इसमें और वो बना रहा है 20, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अच्छा, अगर थ्री न्यूक्लियोटाइड अगर एक एमिनो एसिड बना रहे हैं तो क्या टर्म्स बनेगा? 4^64, हाँ 4^3, टोटल 64 एमिनो एसिड बन रहे हैं। yes, और हमारे प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड है? 20। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड है या जो जेनेटिक कोड है ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ये कंफर्म हो गया इससे, एक सिंपल कैलकुलेशन से कंफर्म हुआ। चलिए यस सर, बस बस बस। तो इस चीज को, एक बात तो यह कि पहले तो समझा गया कि न्यूक्लियोटाइड है क्या, ठीक है, इससे एमिनो एसिड सीक्वेंस किस तरह से बन रहा है, और ये जो जेनेटिक कोड है तो तब ये देखा गया कि जेनेटिक कोड हमारा 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। अब इसके आगे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, हेंस दीज प्रोसेस आर इजी टू कॉन्सेप्चुअलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। यानी कि इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से कन्वर्ट हो रहा है एमिनो एसिड के पॉलीमर में। नॉर कुड एनी बी डाउन थ्योरेटिकली, देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नेशन नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एमिनो एसिड इन प्रोटीन। यानी कि एक बात समझ में आ गई, अगर आपने न्यूक्लिक एसिड को चेंज कर दिया तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई इसी बात? अच्छा, दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ द जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जेनेटिक कोड का प्रोपोजिशन है वो बहुत मैटर करता है। प्रोपोजिशन मतलब कितने नंबर, कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बनाएंगे एक जेनेटिक कोड। ओके, इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग, द प्रोपोजिशन ऑफ डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वेयर मोस्ट चैलेंजिंग। बहुत ही चैलेंजिंग है ये, इन ए वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट एंड जेनेटिसिस्ट। अक्सर मैं आप लोगों को कभी कभी हंसी मजाक में बोलता हूँ, है ना। देखो कहते ना यूनिवर्स, जब यूनिवर्स की बात है तो हम लोग कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के बारे में बोलते हैं ना, तो पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी हमारी मैथमेटिक्स है, पूरी एस्ट्रोलॉजी। और जब मैथमेटिक्स अपने टॉप में पहुंचती है तो फिजिक्स आता है, सही है ना। पूरा मैथमेटिक्स पूरा एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में ही मिलेगा, नहीं मिलता, सही बताना।
इसीलिए जो बायो के बच्चे हैं उनको फिजिक्स थोड़ी सी कम समझ में आती, क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छा डेवलप नहीं होता। आप भले ही बायो पढ़ते हैं लेकिन मैथ से दुश्मनी नहीं करना है, वो आपका हिस्सा होना चाहिए। एटलीस्ट क्लास 10th तक की मैथ तो आपको आनी ही आनी चाहिए। थोड़ी बहुत टॉपिक कुछ और भी होंगे तो अपने सर से रिक्वेस्ट करके आप वो भी जान सकते हैं, तो कोई भी विषय से पीछा नहीं छुड़ाना, ठीक। अच्छा, जब फिजिक्स अपने टॉप लेवल में पहुंचती है तो केमिस्ट्री बनती है, सही है ना? और जब केमिस्ट्री अपने टॉप लेवल में पहुंचती है तब जा करके तब भी कुछ नहीं होता, बायोलॉजी तब भी कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री अपने टॉप लेवल में पहुंच गई तब भी वो चुपचाप पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट डिस्टर्ब नहीं कर पाया, वो एनर्जी जब उसमें एंटर करती है तब बायोलॉजी की स्टार्ट होती है। तो याद रखिए, बाकी सब सब्जेक्ट अपने टॉप में पहुंचे तो कुछ ना कुछ बनाए, लेकिन बायो में एंटर करने के लिए उस स्पेशल एनर्जी का होना जरूरी है। आज तक कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बट नो वन केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अभी तक नहीं बता पाए कि केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। इसी से समझ सकते हो, सही है ना? तो किसी चीज से पीछा नहीं छोड़ा, हर चीज को समझिए। जब आप इस सारे साइंस को मिला देते हैं तब जाके बायो को समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं बच्चों से मजाक में करता हूं कि बायो को हल्के में मत लेना, नेवर अंडरस्टैंड द बायोलॉजी, इफ इसका मूड खराब हो इट विल हेलाइन द पूरा वर्ल्ड लाइक कोरोना, जस्ट एंजॉय। ओके, सही बात है। ओके सर, कौन बोल रहे? अच्छा यस, आप हैं क्या? हाँ सर। अरे वेरी गुड, मुझे लगा आप आज नहीं है। चलिए, तो ऐसे समझ में आ रहा ना कि बायो को एक एग्जिस्ट करने में बहुत एक लंबा समय लगा, और आज हम उसकी स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जितनी भी चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। याद रखिए, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे और अगर एडवांस बायोलॉजी पर जाते हैं आप, जस्ट लाइक द बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, टिश्यू कल्चर, तो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी और उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स। तो यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन बायोलॉजी टर्म एज द बायो स्टैटिस्टिक्स। आप लोग मीन, मीडियन, मोड और फ्रीक्वेंसी अगर पढ़े हैं ना, जी हाँ, ये बायोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना बायो को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बायो को समझना अलग बात है, उसको अप्लाई नहीं कर पाइएगा, समझ रहे हैं? चलिए, तो वही उन्होंने बताया है कि फिजिक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट है, जेनेटिसिस्ट है, इतने लोग मिलेंगे सब जागे कहीं जेनेटिक्स के बारे में समझ पाएंगे। इट वॉज जॉर्ज गैम्यू ए फिजिसिस्ट who on that since there are only four bases and if they have a code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. Hamare paas mein total 4 base hai aur total 20 amino acid hai, to ye akele 4 bases to 20 amino acid nahi bana payenge, ise combine hona padega, theek. So the code should constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. है ना? मैंने अभी आपको पूरा calculation बताया, 4 bases to 4, 3 nucleotides to 4 to the power 3. 4 bases इसलिए 4 हमने ले लिया, अगर एक nucleotide तो 4 to the power 1 means 4 nucleotide amino acids. If 2 nucleotide का combination है तो 4 टू दी पावर 2 दैट इज 16 अमीनो एसिड, और अगर 3 कॉम्बिनेशन है, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है, तो 4 टू दी पावर 3 दैट इज 64 वुड जनरेट 64 कोडॉन, जनरेटिंग मैनी मोर कोडॉन देन रिक्वायर्ड। 20 अमीनो एसिड चाहिए थे
ये 64 एमिनो एसिड बना रहा है, इसका मतलब यही पॉसिबल है। ये सिंपल एक कैलकुलेशन से ही बताया जा सकता था। आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैथमेटिशियन का नाम नहीं, कोई बात नहीं है, जो फिजिसिस्ट है वो मैथ के दम पर ही आगे आया, सही है ना, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल है पूरा। चलिए, प्रोवाइडिंग दैट द कोडोन वॉज ए ट्रिपलेट, कोडोन कैसा है हमारा, ट्रिपलेट है ना, वॉज ए मोर डॉन्टिंग टास्क, द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाई हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। फिर उसके बाद हमारे पास में आए, एक तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इनका केमिकल नेचर पता किया, दूसरे साइंटिस्ट आ गए हमारे पास में, मार्शल नीरनबर्ग, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हैव द कोड ऑफ द डेसिफर्ड, राइट। मार्शल नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन की सिंथेसिस कराई एंड फाइनली हैव द कोड ऑफ टू बी डेसिफर्ड, और बाद में फाइनली जेनेटिक कोड को बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा हेल्प किया। फिर एक और साइंटिस्ट आ गए हमारे, Severo Ochoa enzyme was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. ये तरह का polynucleotide phosphorylase है, polynucleotide phosphorylase है ना? ये जो Severo Ochoa enzyme है तो क्या उनका पूरा enzyme तो नहीं है? बेटा और इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, है ना। एक्चुअली देखो होता क्या, बहुत से टर्म्स ऐसे हैं जो जिनका जो मेन लैंग्वेज था वो वही से फिर किए गए, है ना, लेकिन हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं इनको या बायोलॉजिकल टर्म में पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज, ठीक है। yes. तो इसका स्टडी किया गया, तो आरएनए का जो पॉलीमराइजेशन है उसके बारे में स्टडी कर पाए, और ओवरऑल इनकी स्टडी से समझ में आया फिर कि क्या है स्टडी, राइट। ये सब देखने के बाद में क्या किया गया कि इसके लिए पूरा एक ये कोडॉन और वेरियस एमिनो एसिड एक ये बोर्ड बनाया, राइट। यहाँ पर ये फोर है UCAG, आपको याद आया, आपने चेकर बोर्ड बनाया था मेंडेलियन जेनेटिक्स में डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। तो UCAG ये हुआ UCAG, लेकिन कोडॉन ट्रिपलेट है ना, ये तो सिर्फ दो ही बन पाएंगे, ट्रिपलेट कोडॉन है, तो यहां पर ये देखिए हमने हर उसमें लिया UCAG, ये ले लिया इधर। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनाइए, तो यू यू और ये यू, ये मिलके बनाया यू यू यू, राइट। फिर हमने यू यू और ये लिया सी, तो बन गया हमारा यू यू सी। फिर हमने लिया यू यू और ये वाला ए, तो बना यू यू ए। फिर हमने लिया यू यू और लिया जी, तो बन गया यू यू जी। तो इस तरह से हमने टोटल 64 कोडॉन बनाया। आगे देखिए, ये 64 कोडॉन के नाम भी लिखे हैं, जैसे UUU और UUC ये दोनों फिनाइल एलेनिन बनाते हैं, UUA UUG दोनों ल्यूसीन बनाती हैं, UCU सेरीन, UCC सेरीन, UCA सेरीन, UCG सेरीन। अगर देखा जाए ओवरऑल, आप ये गौर करिएगा, जो लास्ट वाला सीक्वेंस है ना, यू 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 कॉमन है, लेकिन यू सी ए जी लास्ट वाला बहुत मैटर नहीं करता, या करता है नहीं करता ना। इसका एग्जांपल देख लो, यू सी यू सी यू सी यू सी
ये सब सेम है, बाद में यूसी एडी चेंज हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, सबने सेरीन को बनाया बनाया। आगे देखिए यू ए यू यू ए सी यू ए ए यू ए जी, यहाँ पर यू ए यू यू ए सी दोनों टाइरोसिन, यानी यू ए मायने रखता लेकिन यू और सी ये कोने वाले लास्ट वाले मायने नहीं रखते, यानी कि जो सबसे लास्ट सीक्वेंस है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? अच्छा जी, कुछ इसके साइलेंट फीचर जन इनको जल्दी से स्टडी करने, बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट। द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन कोड फॉर एमिनो एसिड, 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। 64 में 61 एमिनो एसिड को कोड करते हैं और 3 कोडॉन किसी को कोड नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। इनमें से हो गया यूजीए, ठीक है, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों हमारे क्या है, स्टॉप कोडॉन है, मतलब इनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डिजनेट। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एक से अधिक कोडॉन से बनाए जा रहे हैं, इसलिए कोडॉन कैसा है, कोड इज डिजनरेट टाइप। जैसे वैलिन को देखो, जी यू यू जी यू सी जी यू ए जी यू जी, सब के सब वैलिन को कोड कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं ना। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा कोडॉन किसी एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला हमने इट इज डिजनरेट टाइप। तो डिजनरेट का मतलब क्लियर हो गया। ओके, द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन कॉन्टिगुअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन, मतलब इसका कोई पंक्चुएशन नहीं होगा। ये कैसे करेगा आप समझे, मैं सीक्वेंस बनाता हूं जरा सा। मैंने ये डायग्राम बनाया, आप कुछ चीजें समझ पा रहे हैं। एक सिंपल सा मैंने एमआरएनए का सीक्वेंस बनाया, तो पहले एयूजी, फिर सद सीजीए, सॉरी मैंने उसको हटा दिया क्या, मैं लिख देता हूं उसको, पहले स्थगित कर दूंगा, लिख लीजिए। पहला केस हम अगर देखते हैं तो पहले केस में हमारे 3 एमिनो एसिड बन रहे हैं ना, बन रहे हैं। अच्छा, इनमें से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड हटा दीजिए तो हुआ क्या, पहला था हमारा एयूजी, एसीजी और जीयूजी, हमने बीच के एक को हटा दिया, बना क्या एयूजी, सीजीजी और यूजी, एक एक कोडॉन नहीं थी, टोटल सिर्फ 2 ही एमिनो एसिड बन रहे हैं, बन रहे हैं ना। यह है हमारा क्या, द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इन ए कॉन्टिगुअस फैशन, मतलब ऐसा कोई पंक्चुएशन नहीं है, ये शुरू से लेकर लास्ट में 3-3 कोडॉन का सिस्टम बनाते चले जाइए, बीच का हटाना है हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बनाते चले जाओ, एक हटा दो, दो हटा दो, पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, 3 हटा दोगे तो एक एमिनो एसिड चेंज होगा, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा, सही बात है ना। नेक्स्ट है, द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, कोड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, आप मेथियोनिन का एमिनो एसिड चाहे ह्यूमन से ले लो चाहे बैक्टीरिया से ले लो, मिलेगा एयूजी ही, कहीं का भी मेथियोनिन का कोडॉन देख लो, चाहे प्रोकैरियोट का, चाहे यूकैरियोट का, चाहे आप प्लांट का, चाहे एनिमल का, सबका एयूजी मिलेगा, मतलब द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है, अगर एयूजी मेथियोनिन को कोड करो तो सब जगह एयूजी ही कोड करेगा। नियरली यूनिवर्सल का मतलब क्या है, कहीं कहीं हल्का सा चेंज है, जैसे वैलिन, वैलिन अगर पहली जगह में होगा जीयूजी तो वो मेथियोनिन को कोड करेगा और बीच में है तो वैलिन को कोड करेगा, समझ गए। अगर जीयूजी सबसे पहले कर दोगे
तो मेथियोनिन कोड करेगा, अगर बीच में कर दोगे तो वैलिन कोड करेगा। तो कहीं एक्सेप्शन होता है लेकिन नियरली यूनिवर्सल। आगे देखिए, एयूजी हैज डुअल फंक्शन, क्या क्या, एक तो ये इनिशिएटर है, मेथियोनिन को कोड करता, दूसरा है ये इनिशिएटर, मतलब ये मेथियोनिन को कोड करके शुरू करेगा। अगर किसी भी ग्रुप से आपने एयूजी हटा दिया तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, समझ गए, क्योंकि ये इनिशिएटर है। सबसे पहला कोड मेथियोनिन ही होगा, बाद में बाकी चाहे जो लगे। और अगर आपने मेथियोनिन का कोड हटा दिया तो फिर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। सिक्स यूएए यूएजी यूजीए दे आर स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेटर कोडॉन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइलेंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, बिकॉज आपका टाइम अप हो गया है, हार्डली वन मिनट है, एक हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम भी नहीं है, जो भी डाउट होते हैं मैं नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करता हूँ। ओके, चल दैट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।